सो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। सो आपने थंबनेल तो देख लिया, तो यस वाटरप्रूफिंग इन जस्ट 20 रुपीज़। तो आओ देखते हैं कैसे ये होता है और आप रेनी सीजन में मोटो व्लॉग बिना किसी डरे पानी अंदर ना जाए मोटो गोप्रो में आपके कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के हमारे मुख्य किरदार है ये। तो ये जो चीज़ है वो है फैबर कैसल के टैकेट रिमूवेबल एडेसिव टिप्स। तो यही चीज़ है जो पानी को अंदर जाने से रोकती है और हमारे गोबरों को बनाती है वाटरप्रूफ। आओ चलो देखते हैं कैसे ये वर्क करता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा एक गोब्रो हीरो 7 ब्लैक है। तो माइक यूज़ करने के लिए हमको आप सभी को पता होगा ये साइड डोर हमको निकालना पड़ता है। तो ये हम साइड डोर अगर हम निकाल देते हैं तो वाटरप्रूफिंग नहीं रहेगा। जो साइड डोर रहेगा तो वाटरप्रूफ रहेगा, साइड डोर नहीं रहेगा तो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरा पानी वानी सब चला जाएगा। तो हम माइक लगाते हैं तो ये यहाँ पे ये खुला रहता है यूएसबी पोर्ट, तो यहाँ पे पानी जाने का चांसेस रहता है, पूरा गोप्रो ख़त्म होने का चांसेस रहता है। तो हम क्या करेंगे, तो माइक के साथ ये हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा, वाटर अंदर जाने का चांसेस नहीं रहेगा और वाटरप्रूफिंग ऑलमोस्ट वाटरप्रूफिंग रहेगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अंडर वाटर ना लेके जाएं। अगर अंडर वाटर लेके जाएंगे तो भाई वो उसकी कोई गारंटी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए, और मोटो व्लॉगिंग के टाइम बारिश और या रेन होता है तो उसको बचाने के लिए ये बेस्ट है। तो ये हमारा हेलमेट और इसका वो केस, ये केस अमेज़ोन पर मिल जाएंगे आपको। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा ये क्ले लगा चुका हूँ, ये जो मेरे जो लास्ट राइड मैंने रत्नागिरी की थी तो उसमें मैंने एक ले लगाया था। ये जो मेरा माइक है, ये माइक अडैप्टर है, ये माइक अडैप्टर से यहाँ पे माइक जाता है और इसका और माइक अडैप्टर के ऊपर एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो जो नॉर्मल माइक है जो मोबाइल में लगता है वो माइक यूज़ नहीं होगा। गोप्रो का माइक अलग आता है TRRS, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सा माइक मैंने यूज़ किया है। तो उसके बाद में बात करते हैं, पहले ये जो वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं। तो ये वाटरप्रूफिंग जो है, ये जो मैंने लगाया है ये मैंने ऑलरेडी पहले लगा चुका हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर जब माइक अडेप्टर का ये वायर जो है, माइक जो गोप्रो में जाता है ये एरिया, और कैसे वाटरप्रूफिंग वाटर अंदर जाने से ये रोकता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये डाला हमने हमारा गोप्रो अंदर और इसको थोड़ा बैंड करके ना डालना पड़ता है, और ये गया अंदर माइक, ये माइक फिट हो गया, ये डाल दिया, ये पूरा केस खुला रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फैबर कैसल का टैक्टिक जो है एडेसिव ये निकालेंगे, इसका एक स्ट्रिप निकालेंगे और उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पहले आप कोशिश करेंगे कि ये पूरा क्ले अंदर चला जाए ऐसे। वैसे ये एक क्ले पूरा एक स्ट्रिप आता है, ये 6 सेट का, ये मतलब 6 स्ट्रिप आती है और पूरा 6 स्ट्रिप 120 में। तो एक स्ट्रिप कुछ तो आपको पड़ेगा 20 रुपीज़ में, तो 20 रुपये में आप ये वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा एक स्ट्रिप यूज़ कर लेता हूँ ताकि सेफर साइड कुछ आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, और उसको अच्छे से आप दबा दो ताकि जो पूरा क्ले है पूरा अंदर साइड चला जाए। अंदर चला गया, अब यहाँ पे थोड़ी जगह रह गई है तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा एक और ले लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक ले लिया, लगा देंगे यहाँ पे साइड पर।
और इसको अच्छे से अंदर से प्रेस कर दो ताकि पूरा अंदर ये क्ले फिट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा ये बॉर्डर फिक्स हो गया है। क्ले पूरा केस के अंदर भी जाना चाहिए। तो क्या अगर पीछे के साइड से अगर पानी अगर बहुत रेंज हैवी हो रहा है तो पीछे के साइड से भी पानी ना चला जाए, इसलिए पूरा अंदर क्ले थोड़ा अच्छे से प्रेस कर दो क्या क्ले अंदर चला जाए। तो बस यही था एक बेस्ट सॉल्यूशन, चीपेस्ट सॉल्यूशन वाटरप्रूफिंग रेनी सीजन में आपको बेस्ट बचाने के लिए। आपका गोप्रो और बिंदास आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि अंडर वाटर आप लेकर जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, बट अंडर वाटर थोड़ा मुश्किल है, ये इतना भी वाटरप्रूफिंग नहीं है। अमेजोन पर मिल जाएगा फैबोकैसल टैक्टिक, और इसके बेस्ट पार्ट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ उसको कैसे वापस निकालते हो, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सब ये देख सकते हो, थोड़ा क्ले मिक्स करने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये ऐसे किया, ये निकल गया क्ले, और आप अपना गोप्रो वापस ऐसे निकाल सकते हो। बस थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगा कि यहाँ पे क्ले आपको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, और जो इसके चलेगा अब वाटर प्रूफिंग से आपको बचाना हो तो आप ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ये वापस आपको डालना हो तो बस ऐसे माइक अंदर गया और एक क्ले पूरा वापस अंदर प्रेस कर दो। मैंने अभी रत्नागिरी लास्ट फ्लाइट में गया तो मैंने यही टेक्निक यूज़ किया था, तो 100% वर्क किया है। और मैं आपको वीडियोस बताता हूँ कि कैसे वर्क किया है, और वो दो वीडियोस मैंने शूट किए, तो आप ये देखो और आप खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ ये वर्क करता है, और आप भी आपका गोप्रो रेनी सीजन में बिंदास यूज़ कर सकते हो।